तो हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो पहले तो आज की वीडियो को मैं आपको टॉपिक बता दूँ। टॉपिक ये है कि आज आपको बताने वाला हूँ कि इंटरनेट की स्पीड, यानी कि बहुत तगड़ी स्पीड वाला इंटरनेट और अनलिमिटेड इंटरनेट अपने फ़ोन में या कंप्यूटर में कैसे ले सकते हो। बहुत ही तगड़ी तरीका है, आज के टाइम में बहुत अच्छी वर्क कर रही है। अगर आपके पास थोड़ा सा इंटरनेट बचा है और आपको अनलिमिटेड इंटरनेट यूज़ करना है अपने फ़ोन या फिर अपने कंप्यूटर में, तो आप लोग बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हो। गेम डाउनलोड करनी है बड़े साइज़ की है और या फिर कुछ और डाउनलोड करना है, बहुत आसानी से कर सकते हो। अगर आपके पास वाईफाई भी नहीं है तो भी कर सकते हो। तो स्पीड टेस्ट तो देख लिया होगा ना, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है अनलिमिटेड इंटरनेट और पूरी फुल स्पीड ऑलमोस्ट 1 GB/s। आप लोग अब जानना चाहते हो कि ये कैसे किया मैंने, और आपको एक पूरा का पूरा कंप्यूटर यूज़ करने को मिलने वाला है, अकेला इंटरनेट नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा कंप्यूटर यूज़ कर सकते हो। फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, अगर कुछ सीखने के लिए यूज़ करना है तो वो कर सकते हो। 30 दिन के लिए आपको पूरा कंप्यूटर फ्री मिलने वाला है, ठीक है? तो अगर आपको कुछ करना है, और 30 दिन बाद यही कि आप कॉल नहीं कर सकते, आप इसी स्टेप को फॉलो करके फिर से एक नया कंप्यूटर बना सकते हो। बहुत ही मज़ा आने वाला है आज की वीडियो में, बहुत ही तगड़े टॉपिक के साथ आया, पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं ये चीज़ बताई है। तो आज की वीडियो मैंने जरिए स्टार्ट कर, ठीक है? तो इस चीज़ को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, अपना फेवरेट ब्राउजर खोल के उस पर github.com सर्च कर लेना है, ठीक है? सर्च करने के बाद आपको डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे जो ऊपर आपको प्लस का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप कुछ भी नेम डाल सकते हो, यहाँ पे नेम डाल देना है, जैसे कि मैंने शिवम डाल दिया, बट मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, और आपको क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर देना है, ठीक है? तो आपको बैक आ जाना है, मतलब क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर देना, और ऐसा कुछ बन जाएगा आपका, ठीक है? तो यहाँ से आपको कुछ एक्शंस पे मतलब सेटिंग्स पे जाना होगा। सेटिंग आप डेस्कटॉप साइट बंद कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है? सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे सीक्रेट एंड वेरिएबल्स और एक्शंस पे क्लिक कर देने हैं, ठीक है? फिर यहाँ पे नीचे आना है, और यहाँ पे एक न्यू रिपोजिटरी सीक्रेट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये और यहाँ पे नेम आ जाएगा और सीक्रेट आ जाएगा। नेम में आपको यही चीज़ भरनी है जो मैं भर रहा हूँ, ngrok_ या _auth और _token, सारा एज इट इज ही भरना होगा। और यहाँ पे जो सीक्रेट है, इसको आपको दूसरी वेबसाइट खोलना पड़ेगा जो कि हमारा ngrok.com, ठीक है, .com। और यहाँ पे आके आपको डेस्कटॉप साइट ऑन ही रखनी है इसमें भी, क्योंकि इसमें आपको दिखेगा नहीं। यहाँ पर आपको साइन इन और यहाँ पर साइन अप कर लेना है, अगर आप पहले से यूज़र हो इसके, तो वरना आपको साइन अप करना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे सारा कुछ देखिए, ऐसा कुछ डैशबोर्ड आएगा, यहाँ से आपको ngrok_auth token दिखेगा, ठीक है? ngrok_auth token यार, यहाँ पर ऊपर वाली चीज़ें इसे कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके इसे सीक्रेट में पेस्ट कर देना, और एड सीक्रेट पर क्लिक कर देना। मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो मैं नहीं करूँगा ये चीज़, और आपको वापस ये यहीं पे फेंक देगा कोड पे, ठीक है? तो आपको फिर से यहाँ पे एक्शंस पे क्लिक कर देने, और यहाँ पे आपका कुछ ऐसा नहीं बना होगा, आपको करना होगा न्यू वर्कफ्लो पे क्लिक करना होगा, ठीक है? ये आपका बिल्कुल नहीं आने वाला, आपको न्यू वर्कफ्लो पे क्लिक करना, जैसे कि लोड हो जाएगा, और यहाँ पे सेटअप वर्कफ्लो योरसेल्फ लिखा आ रहा है ना, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। ये यहाँ पे मत क्लिक कर देना, मैंने गलती से क्लिक कर दिया था, मैं आपको दिखाता हूँ बैक जाके, और आपको सेटअप वर्कफ्लो योरसेल्फ पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही लोड हो जाएगा, यहाँ पे आपको एक सीक्रेट कोड डालना होगा जो मैं आपको कमेंट में बिल्कुल फ्री में देने वाला हूँ, बाकी सारे अगर आप किसी से लेने जाओगे तो ये पेड देखेगा। नेम से कॉपी करके बस यहाँ तक आपको सारा कॉपी कर लेना, और यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर देने नीचे वाले फाइल में, ठीक है? इसको मैंने पेस्ट कर दिए। फिर पेस्ट करने के बाद आपको नीचे जाना और यहाँ पे स्टार्ट कमिट पे क्लिक कर देना, ठीक है? तो ये सारा कुछ होने के बाद आप फिर से यहाँ पे आओगे, एक्शंस पे आओगे, ठीक है? और यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे। आप पहली बार चला रहे होगे तो आपका ऐसा ही आएगा, बट यहाँ पे क्रॉस बना नहीं आएगा, तो आपका ऑलरेडी यहाँ से रन आएगा, ठीक है? यहाँ पे रन वर्क फ्लो आएगा, मैं रीरन कर देता हूँ क्योंकि मैं पहले से चला रहा था, ठीक है? तो आपका यहाँ पे रन आएगा, आप रन पे क्लिक कर देना, और यहाँ पे जैसे ही बिल्ड आ चुका है तो ये ऑन भी हो गया, देखो। तो अभी ये स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि ये स्टार्ट हो जाएगा आपका मतलब प्रोसेस आधा कंप्लीट, आधा नहीं पूरा ही कंप्लीट हो गया समझ लो, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे स्टार्ट हो जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ,
ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्रिएट टनल तक पूरा हो जाएगा, सारे पे टिक टिक लग जाएगा, तो आपको दूसरी वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे एंड पॉइंट्स पे आ जाना है। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे 8.tcp.ngrok.io वाली साइट जो है ना, इसको आप कॉपी यानी कि कहीं पे लिख के रख लेना, यहाँ से कॉपी नहीं होगा या फिर याद रख लेना, ठीक है। तो अभी आपको जाना है आरडी क्लाइंट एप्लीकेशन पर, प्ले स्टोर पर ईजिली मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा एप्लीकेशन है। ये वाला एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर ईजिली मिल जाएगा, अरे प्ले स्टोर पर आपको ये वाला एप्लीकेशन ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको अभी इसे ओपन करना है और ओपन करने के बाद मैं आपको बताता हूँ करना क्या। तो जैसा कि मैं ऐप पीसी यूज़ कर रहा था, मैं इसे एडिट करके दिखाता हूँ। नहीं छोड़ो, आपको अगर न्यू ईयर ऐड पीसी करना है, ठीक है, ऐड पीसी पे जाके वो जो था ना एड से स्टार्ट हो रहा था जो, वहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे वो कर देना है, ठीक है। तो आपका ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको 8 यहाँ जैसा कि मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, 8 से स्टार्ट हो रहा था ना वो, तो पहले मैं यहाँ पे 8 लिखूँगा, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको ऐड पीसी करना है, मैं ये पुराने पीसी को ही अपग्रेड कर रहा हूँ अपने, और यहाँ पे लास्ट में 18223 है, राइट। अरे क्या खुल रहा है यार, 18223 है, तो मैं भर दूँगा और यहाँ पे सेव कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये लोड होना स्टार्ट हो गया, और कनेक्ट पे क्लिक कर देंगे। अगर आपको पासवर्ड मांगे ना, तो रनर एडमिन आपका वो होता है यूज़र नेम, और पासवर्ड मैं आपको कमेंट में बता दूंगा कि पासवर्ड क्या होता है, कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है। अगर आपका पासवर्ड मांगा तो आपको इसे मिनिमाइज़ कर देना, कैंसिल नहीं करना, आपका पीसी बंद हो जाएगा, ठीक है। और आपका पीसी बन चुका है तो मैं आपको अभी स्पीड टेस्ट भी करके दिखा देता हूँ इसी पे। और ये मैं फ़ोन पे कर रहा हूँ सारा कुछ, मेरे पास पीसी नहीं है, अब फ़ोन पे कर रहा हूँ मैं सब कुछ आपके फ़ोन, ठीक है। तो जैसे मैंने किया, आप एक क्रोम को ओपन कर लिया और यहाँ पर मैं अभी स्पीड टेस्ट लिख के दिखा देता हूँ आपको। अरे यार, इसको थोड़ा कट करना पड़ेगा, तो मैं कट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं स्पीड टेस्ट लिख देता हूँ, ताकि आप सबको अंदाज़ा लग जाए कि इसकी स्पीड कितनी है। और आप कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो, फोटोशॉप वगैरह चला सकते हो, या फिर अगर आपको कुछ भी चलाना है, तो यहाँ पे रन स्पीड टेस्ट पे क्लिक करता हूँ। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ऑलमोस्ट 1 GB/s की स्पीड आ रही है, तो आप लोग कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो ईजिली, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो यही था आज का प्रोसेस, ठीक है। आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया, अभी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली ये चीज़ एक्सेस करने में। एक चीज़ ध्यान रखना, जो स्टार्टिंग में आता है ना, उसको मिनिमाइज ही करना है, एक्सिट करोगे तो बंद हो जाएगा। बाकी आप अपना पीसी यूज़ कर सकते हो अपने फ़ोन पे ही और एंजॉय कर सकते हो। बाकी यार प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, क्योंकि ऐसी नॉलेजेबल कंटेंट मैं हर रोज़ पोस्ट करूँगा, अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो। बाकी यार आपको इसका जैसे मर्जी यूज़ करना हो कर सकते हो। तो बाकी मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक।